अब दोस्तों YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, क्रोम ब्राउजर से सबसे पहले क्या करते हैं, YouTube एप्लीकेशन को आप ओपन कर देते हैं। कैसे आप बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, YouTube एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपलोड वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं। लेकिन क्रोम ब्राउजर से अपलोड करने के लिए सिंपली से आपको क्या करना है, आप एक एक जो चीज़ है उसको मिस मत कीजिएगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पे क्रोमो जो ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउजर से आप ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं, मैं क्रोमो से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम कट करते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं। क्रोमो ब्राउजर को ओपन करना है तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे यूट्यूब एप्लीकेशन दिख रहा है, अगर नहीं देखेगा तो आपका तो ऊपर youtube.com टाइप करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा दिख रहा है तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऊपर 3 डॉट है उसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने का जरूरत नहीं है कि क्रोमो ब्राउजर से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कैसे करें। मैं क्लियरली एक एक चीज़ आपको इसमें बताने वाला हूँ, छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ सारी चीज़ बताने वाला हूँ। आप पर देखिए यहाँ पे आपका चैनल का लोगो मिलेगा, उसके बगल में एक प्लस का आइकन मिलेगा। प्लस का आइकन पर आपको क्लिक करना है। प्लस का आइकन पर क्लिक कीजिएगा, 3 ऑप्शन आ जाएगा, अपलोड वीडियो, गो लाइव, क्रिएट पोस्ट। सिंपली से आपको अपलोड वीडियो पर क्लिक करके अपने वीडियो को अपलोड कर देना। तो अपलोड वीडियो पर मैं यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देता हूँ। क्लिक करके जैसे ही छोड़ूंगा तो कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू पेज का एक ऑप्शन आ जाएगा, प्रीव्यू पेज पर मैं क्लिक करता हूँ। ऊपर ये जो रॉन्ग का आइकन है उसके बगल में एक आइकन है तीर का, उस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं दोस्तों उस पर क्लिक करके क्यों रखा हूँ और प्रीव्यू पेज पर मैंने क्लिक किया इसलिए कि यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप अपलोड वीडियो पर क्लिक कीजिएगा वो डायरेक्ट आपका यूट्यूब एप्लीकेशन में चला जाएगा। कोई कोई मोबाइल में ऐसा हो रहा है दोस्तों, अब ये मेरे मोबाइल की गलती है, अब हो सकता है कि आप अपलोड वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट ही ये अपलोड वीडियो ऐसा कुछ यूजर इंटरफेस आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे जैसे आप कीजिएगा, प्रीव्यू पेज पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका ऐसा यूजर इंटरफेस आएगा। अब देखते हो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ गया, सिंपली से आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आ गया फाइल का, फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है, आपका जो गैलरी है वो शो हो जाएगा। तो जिस वीडियो को आप अपलोड करना चाहते हैं वो वीडियो यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए इस वीडियो को मैंने ले लिया। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो मेरा अपलोड होना है शुरू हो गया, अपलोड होना स्टार्ट हो गया, अपलोड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे नीचे देखिए लिख रहा है अपलोडिंग परसेंटेज आपका लिखना स्टार्ट हो गया। अभी 100% अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपलोड हो रहा है उसका हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। और यहाँ ऊपर देखिए मेरा है टाइटल आ गया ऊपर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने अपलोड डिफॉल्ट में जितना कुछ लिखा था वो सारा लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एक चीज मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की बात कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखिए आपको क्या लिखा है मेरा, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब दोस्तों जिस टॉपिक पर आपका वीडियो है वो आपको उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। मतलब मेरा ये टॉपिक है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रो, मतलब हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब सब्सक्राइबर, इसी टॉपिक पर मेरा ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूंगा, हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत इजीली सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बिना किसी ऐप का यूज करके, बिना किसी वेबसाइट का यूज करके और बिना 1 रुपया आपको खर्च किए आप कैसे अपने चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन उसके लिए आपको लिख देना है ताकि कोई आए तो इसको पढ़ सके, यहाँ पे 2 लाइन लिख देना। उसके बाद नीचे देखिए मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक, तो इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक के नीचे आपको क्या करना है कि आपके यूट्यूब चैनल पर जो इससे रिलेटेड यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज करें उससे रिलेटेड जो 5-6 वीडियो है उसका यहाँ पे लिंक दे देना है। चाहे आप आपके चैनल पर जो बहुत मोस्टली जो पॉपुलर वीडियो है उसका भी यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, चाहे ताकि जब भी कोई इस वीडियो को आपको देखे तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाए तो उसे और 5-6 वीडियो दिखे और वहीं से लिंक पर क्लिक करके आपके दूसरे वीडियो पर वो कन्वर्ट हो जाए, दूसरे वीडियो पर चला जाए। तो उसका भी 5-6 वीडियो का आप लिंक दे सकते हैं। इसके नीचे फॉलो अस ऑन, अब अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे फेसबुक पेज है आपका, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, तो यहाँ पे देखिए आपका उसका सारा का यहाँ पे लिंक दे देना है। तो यहाँ देखिए मेरा फेसबुक पेज का मैंने लिंक दे दिया है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का दे दिया है, ट्विटर का, टेलीग्राम का, यूट्यूब का दे दिया। तो अगर आप भी यूज़ करते हैं, जिसका भी यूज़ करते हैं उसका भी यहाँ पे देना जरूरी है, दे दीजिएगा। उसके नीचे मैंने लिखा है डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक्स एंड कॉमेंट, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कॉमेंट कीजिए, मत भूलिएगा, ये जरूरी है। उसके नीचे देखिए अब मेन है #PrinceTechAudio, तो मेरा ये जितना भी आपको लिखा हुआ दिखेगा वो मैं डेली नहीं लिखता हूँ, एक बार अपलोड डिफॉल्ट में मैंने लिख सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो सारा लिखा हुआ आ जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं एक दिन में 4 वीडियो अपलोड करूँ, 5 जितना करूँ, जब करूँ यहाँ पर सारा कुछ ये लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए अपने चैनल का हैशटैग आप जरूर लगाइए, आपका जो भी चैनल है उसका नाम का हैशटैग जरूर लगाइए, ये बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है, एक बार आप ध्यान में दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को।
आपके जिस भी चैनल का, आपका चैनल का जो भी नाम है, जैसा भी चैनल है, उसका हैशटैग आपको जरूर लगाना है। उसके बाद जो आपको हैशटैग लगाना है लगा सकते हैं। तो मेरा एक हैशटैग देखिए मैंने अपलोड डिफॉल्ट में लगा कर सेट किया है, मेरा है प्रिंस टेक और जो, तो ये लिखा हुआ जाएगा। अब दोस्तों इस ये जो वीडियो है किस कैटेगरी का है, मतलब किस टॉपिक पर है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे हम एक और हैशटैग, दो तीन हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, हैशटैग YouTube चैनल इंक्रीज सब्सक्राइबर, हैशटैग यूट्यूब टिप्स, यहाँ पे मैक्सिमम आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 15 हैशटैग लगा सकते हैं और मिनिमम आप 2-4 लगा सकते हैं। तो मेरा बात मानिए तो 15 नहीं लगाने का कोई जरूरत नहीं है, 3-4 आप हैशटैग लगा दिए बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए आप है थंबनेल, थंबनेल के बगल में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप कोई वीडियो में से भी खुद थंबनेल यहाँ पर यूज कर सकते हैं आसानी से। अब अगर आपने कोई गैलरी में थंबनेल बना कर रखा है तो यहाँ पर देखिए अपलोड थंबनेल पर क्लिक करके आप गैलरी में से थंबनेल इसको चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर थंबनेल चूज नहीं, अगर आप सेट नहीं करना चाहते हैं तो अब तो यूट्यूब का अपडेट आ गया कि यूट्यूब एप्लीकेशन में भी आप थंबनेल चेंज कर सकते हैं और YT स्टूडियो में भी आप थंबनेल लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों यहाँ से नहीं करता हूँ, यहाँ पर सारा वीडियो को सेटिंग कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद जब मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है तो मैं जाता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन में, नहीं तो YT स्टूडियो में, और वहीं से मैं अपने थंबनेल को सेट कर लेता हूँ, वहाँ से मेरे को आसान लगता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर नीचे है प्लेलिस्ट, तो सिंपली से जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना प्लेलिस्ट आपने बनाए रखा है वो सारा यहाँ पे प्लेलिस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा प्लेलिस्ट यहाँ पे बना कर रखा है यूट्यूब टिप्स का, यूट्यूब अपडेट का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, शॉर्ट वीडियो। अगर कोई और आपका प्लेलिस्ट आपको बनाना है तो यहाँ पे देखिए नीचे है न्यू प्लेलिस्ट, न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप दूसरा प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारा प्लेलिस्ट बनाया, तो ये वीडियो जो है यूट्यूब टिप्स पे है तो यूट्यूब टिप्स मैं क्लिक करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए एज रजिस्ट ऑडियंस है, ऑडियंस में देखिए ये पूछ रहा है और ऑडियंस में कि आपका जो वीडियो है वो बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए। तो सिंपली से आप हमेशा कीजिए इसमें नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, ये जो मेरा वीडियो है बड़ों के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने सेट करके रखा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि आप यहाँ पे नो कीजिएगा तो आपका जो वीडियो है सारे लोगों के पास जाएगा और आपके वीडियो पे मतलब जो एड्स है वो हर सारे तरह के एड्स भी चलेगा, ज़्यादा एड्स चलेगा, आपका वीडियो मतलब ज़्यादा व्यू भी आएगा और अर्निंग भी ज़्यादा होगी। अगर आप बच्चों पे क्लिक करते हैं, ऊपर क्लिक करते हैं यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो आपको वीडियो पर लिमिटेड एड्स चलेगा, ठीक है, लिमिटेड चलेगा और केवल वो वीडियो बच्चों के ही पास से जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चों हैं उनके मोबाइल पर उन्हीं के मतलब पास आपका YouTube वीडियो भेजेगा, तो उसमें अर्निंग भी कम होती है और उस पर एड्स भी कम चलता है, व्यू भी कम आते हैं। ये हो गया, यहाँ पे पूछा एज रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ये आपका जो वीडियो है 18 प्लस के वाले के लिए है या 18 के नीचे वालों के लिए। तो मेरा जो वीडियो है कोई रजिस्ट्रेशन मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, 18 प्लस भी देख सकते हैं और 18 के नीचे वाले भी देख सकते हैं, कोई देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नो डोंट रजिस्ट्रेट माई वीडियो कर दिया है, तो आपको भी यही करना है। तो यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करना है, शो मोर पे क्लिक करने का दोस्तों अब यहाँ पे और भी कुछ सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पेड प्रमोशन है, यहाँ पे बोल टिक लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है इसको क्लिक नहीं करना है, पेड प्रमोशन जो टिक लगा है उसको क्लिक नहीं करना है। इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपके वीडियो के ऊपर स्पॉन्सर्ड ऑन वीडियो आ जाएगा। इसको कब आपको क्लिक करना है, जब आपके चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, जब कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन आपको पैसा पे कोई वीडियो मतलब आपके चैनल पर कोई प्रमोशन के लिए कोई एप्लीकेशन का प्रमोशन करवाना चाहती है, आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है कि आप इस वीडियो में मेरा ये कंपनी का स्पॉन्सर कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, आप अपने वीडियो में मेरा एप्लीकेशन का स्पॉन्सर कर दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, तो आप उनके जब एप्लीकेशन का जब वेबसाइट का स्पॉन्सर कीजिएगा, प्रचार कीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसको बॉक्स को क्लिक कर देना ऐसे। लेकिन अभी तो मेरे चैनल पर कोई स्पॉन्सर मिला नहीं है तो मैं इसको नहीं करूँगा, जब आपको मिल जाएगा चैनल ग्रो हो जाएगा तब, जब भी आप अपने आप किसी भी एप्लीकेशन का किसी भी वेबसाइट का स्पॉन्सर कीजिएगा तो उस वीडियो में आपको यहाँ पे टिक कर देना है ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये वीडियो जो है स्पॉन्सर है। अगर नहीं कीजिएगा तो यूट्यूब की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ये यूट्यूब का रूल है। उसके बाद नीचे है ऑटोमेटिक चैप्टर्स, अब ऑटोमेटिक चैप्टर्स आपको क्लिक कर देना है। जब YouTube का ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि आपके वीडियो पे ऑटोमेटिक चैप्टर लग गया तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद नीचे है अलाउ ऑटोमेटिक प्लेसेस, तो इसको भी आपको क्लिक कर देना है अलाउ ऑटोमेटिक प्लेसेस। उसके बाद नीचे है दोस्तों टैग्स का, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं टैग्स और यहाँ ऊपर देखिए मैं टैग्स और टाइटल दोनों अभी नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊँगा। अभी जो जो मतलब मेन चीज़ें हो, मेन क्या मतलब जो उसके अलावा चीज़ें हो मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ, टाइटल और टैग्स मैं वीडियो क्लास में बताऊँगा, वो बहुत ही जरूरी है तो उसको मैं अभी नहीं बताऊँगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स है, टैक्स में आपको देखिए मैंने टैक्स में अपलोड डिफॉल्ट में कुछ टैक्स लगा कर रखा है अपने चैनल का नेम, तो आपको किसी भी आपका कैटेगरी का चैनल हो किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो
आपको अपने टैग्स में अपना चैनल का 5-6 नाम जरूर लिख रखना है। तो देखिए मेरा प्रिंस टेक और जो है मेरा चैनल का नाम, तो मैंने लिखा है प्रिंस टेक और जो, प्रिंस टेक और जो, प्रिंस टेक और जो एक ही में लिख दिया है, फिर कैपिटल लेटर में लिखा है प्रिंस, प्रिंस आरा लिखा है प्रिंस, फिर मैंने टेक और जो अलग लिखा है प्रिंस टेक, फिर लिखा है टेक और जो प्रिंस। तो इस तरीके का कुछ अपना चैनल के किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो अपलोड क्यों ना कर रहे हो, उसका हर वीडियो का जो टैग्स है उसमें अपने चैनल का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिस तरह मैंने लिखा है। उसके बाद नीचे है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेट। तो लैंग्वेज में वीडियो लैंग्वेज में देखिए मैंने क्या सिलेक्ट किया, हिंदी, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो हिंदी लैंग्वेज में है। उसके नीचे है रिकॉर्डिंग डेट, रिकॉर्डिंग डेट पर क्लिक करना है। आप आज का जो डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा, तो आज 7 है, तो यहाँ पर 7 में मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे बगल है वीडियो सर्टिफिकेशन, यहाँ पे वीडियो लोकेशन, तो इसको आपको नहीं करना है, इसको कोई मतलब नहीं है इसका। उसके नीचे है लाइसेंस, तो लाइसेंस में देखिए कॉमा पर क्लिक करता हूँ तो 2 लाइसेंस आपको दिखाई देगा, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, क्योंकि मेरा वीडियो है भाई, मेरा मेहनत है, मेरा चैनल है, तो मेरा वीडियो कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस लगा दिया। अब अगर आप क्रिएटिव कॉमन लगाइए तो आपका वीडियो कोई भी बंदा यूज कर सकता है और आप उसे कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वीडियो है, मेरा मेहनत है, सारा कुछ मेरा है, तो मेरा वीडियो भाई क्यों किस कोई यूज करेगा। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस कर दिया। उसके नीचे देखिए अलाउ इम्बेडिंग पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फी एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर, तो इस दोनों का आपको क्लिक कर देना है कि जब भी आप वीडियो को अपलोड करें तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ भाई प्रिंस टेक और जो के नाम से मेरा चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है, आ गया है नोटिफिकेशन, मतलब पता चल जाए उनको कि आपने वीडियो अपलोड किया है, ताकि वो आपके वीडियो को देख सके। उसके बाद नीचे है अलाउ पीपल टू सैम्पल दिस कंटेंट, इसको भी आपको क्लिक करना है। इसको आप क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपके मर्जी। इससे क्या होगा कि आप क्लिक कीजिएगा तो आपका वीडियो में से 30 सेकंड का कोई भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और नहीं कीजिएगा तो कोई भी नहीं बना सकते। आप उसको अलाउ कर देते हैं तो बना सकते हैं, अगर बॉक्स पर अनटिक किए तो नहीं बना सकते। तो इससे आप ही का फायदा है, आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी है, तो आपका जिस चैनल का, आपका चैनल का जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा चैनल पे टेक कैटेगरी का है, और जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो भी क्या किया है, टेक ही कैटेगरी का वीडियो अपलोड किया। तो यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लिक करके रख दिया हूँ। आपका जिस चैनल का कैटेगरी है, आपने जो वीडियो जिस टॉपिक पर अपलोड किया है, वो यहाँ पे कैटेगरी आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे है कमेंट एंड रैंक रेटिंग, तो यहाँ पे देखिए अलाउ ऑल कमेंट्स आपको क्लिक कर देना, चाहे किसी भी तरह का क्यों कमेंट ना हो आपके वीडियो पर आनी चाहिए ताकि आप उसे देख सकें, तो अलाउ ऑल कमेंट्स पर कर देना। उसके बाद नीचे है शॉर्ट बाय, तो शॉर्ट बाय में आपको टॉप कर देना है, टॉप कर देना। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, टॉप न्यूएस्ट, टॉप सारा वीडियो यहाँ कमेंट है वो मेरे वीडियो पर आना चाहिए। अब उसके बाद नीचे है सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक्स एंड वीडियो, तो यहाँ पे आपको बॉक्स पर टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो वीडियो पे है कितने लाइक आए हैं वो आपको शो होना चाहिए, और भी ऑडियंस को शो होगा कि हाँ भाई इनके वीडियो पे इतना लाइक आया, तो ये आपको क्लिक कर देना। अगर अनटिक कीजिएगा तो उस किसी को भी और आपको भी शो नहीं होगा कि आपके वीडियो पर कितना लाइक आया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब दोस्तों मेन आती है टाइटल एंड टैक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन है। तो टाइटल एंड टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हम टाइटल टैक्स की बात करते हैं। टैक्स लगाने के लिए दोस्तों क्या करना, मेरा जो वीडियो आप बताइएगा मेरा वीडियो है किस टॉपिक पर है, कि YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इसी टॉपिक पर है, तो इस टॉपिक पर मेरा वीडियो है, तो इसके लिए हाई रैंकिंग टैग्स हमको कहाँ से मिलेगा, मतलब जो वायरल ट्रेंडिंग टैग्स है वो कहाँ से मिलेगा। तो सिंपली क्या करना, हमको आना है YouTube एप्लीकेशन में, ठीक है, मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था, YouTube एप्लीकेशन में हमको आना है और जिस टॉपिक पर आपने वीडियो अपलोड किया है उस टॉपिक को यहाँ पे सर्च करना है। तो मेरा किस टॉपिक पर है, YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ा, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। मैंने सर्च किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा मतलब वीडियो आ जाएगा, जो सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग वाला वीडियो है, जो जिस पर सबसे ज़्यादा व्यू है वो सबसे ऊपर देखिए वीडियो आ गया, 5 मिनट में 1000 सब्सक्राइबर, सिर्फ ये काम करके देख लो। यहाँ पे 3 वीक पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है, 2,34,000 इस पर व्यू है। तो अब क्या करना है, इसकी वीडियो का टैग्स हमको लेना है, क्योंकि ये टैग जो है ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, इनका जो टैग्स है सबसे देखिए सर्च करते हैं इनका वीडियो सबसे ऊपर आ गया, तो इन्हीं का हम टैग्स लेंगे। यहाँ पे 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, और एक एप्लीकेशन आपको लेना है, यू टैग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। मैंने एक और वीडियो बनाया है इस पर कि टाइटल एंड टैग्स कहाँ से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यू टैग मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, यू टैग पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यू टैग पे क्लिक कीजिएगा तो इस वीडियो का टाइटल और इस वीडियो का टैग्स आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में जो भी टैग्स लगाए गए हैं वो यहाँ पे सारा टैग्स आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में जो टैग्स है उसमें से एक चीज़ को हटा देना है। यहाँ पे देखिए स्प्रीडिंग ज्ञान, इनके चैनल का नेम पर मैं क्लिक करता हूँ,
सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट नीचे ऑल है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ और इनके चैनल का नेम को अनटिक कर देता हूँ। देखिए इनके चैनल का नेम हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब टैक्स वीडियो का टैक्स नहीं लगाएंगे, इसके चैनल को हमने अनटिक कर दिया और यहाँ पे सारा टैक्स हमको कॉपी करना है। तो यहाँ पे नीचे देखिए कॉपी सिलेक्टेड, सिंपली से कॉपी सिलेक्टेड पर हम क्लिक कर देते हैं, इनके सारा वीडियो का जो टैक्स है मेरा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे जाते हैं हम जहाँ पे मेरा वीडियो अपलोड किया और यहाँ पे देखिए उनके सारे टैक्स को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया, उनके सारे टैक्स मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया, यहाँ पे रेड हो गया क्योंकि 500 से ऊपर मैंने टैक्स लगा दिया। तो यहाँ पे हम इसको एक को कट कर देते हैं, नहीं हुआ कम फिर दो को कट कर देते हैं, फिर किसी एक को कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 500 के नीचे मेरा सारा टैक्स हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया। तो यहाँ पे उनके वीडियो का जितना टैक्स है वो सारा हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया क्योंकि ये टैक्स अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सबसे पहले इनका वीडियो आ गया तो इनका मतलब यही है कि इनका जो टैक्स है अभी सबसे वायरल हो रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब दोस्तों यहाँ पे टैक्स तो आपको लग चुका है, अब दोस्तों टैक्स लगने के बाद बात करते हैं टाइटल का। तो टाइटल हम इन्हीं का कॉपी करेंगे, टाइटल यहाँ पे देखिए इसको हम कट कर देते हैं और टाइटल में हम इन्हीं का कॉपी करेंगे। लेकिन आपको टाइटल में थोड़ा सा चेंजेस हल्का फुल्का चेंज करना है, क्या करना है मैं बता देता हूँ। कॉपी टाइटल पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइटल मैंने इसको हटा दिया, अब यहाँ पे कॉपी टाइटल पे क्लिक कर इन पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएँ YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022। यहाँ पे देखिए इनका टाइटल, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, चेंज क्या करना है, यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है YouTube सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पर हम एक वो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चेंज इसलिए करना है कि दोस्तों कि आपको टाइटल सेम किसी का कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप एक वर्ड एक कॉमा कुछ भी उसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, एक कॉमा भी आप चेंज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर हम एक और इसमें लाइन देते हैं, कुछ कुछ हल्का हल्का चेंज कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं 2022 इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर चैनल का अपना नाम दे सकते हैं कि बाई प्रिंस टेक और जो, चाहे प्रिंस टेक और जो हिंदी, चाहे आप लिख सकते हैं 2022 हिंदी, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली, कुछ भी आपको चेंज करना है। अब यहाँ पर करने के बाद दोस्तों इस टाइटल को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं फिर से। ठीक है, इस टाइटल को पेस्ट कहाँ करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके वीडियो के बारे में यहाँ पर जो भी आपने लिखा होगा उसके नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन में गया, इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स आपको लगा देना। अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लगाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया, टैक्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे नीचे है नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली से आपको नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए आ गया ऊपर एड सब टाइटल्स एड एंड इन द स्क्रीन एड कार्ड्स। तो मेरा वीडियो ये बहुत छोटा है तो इन स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर आपका वीडियो अगर 2 से 3 मिनट का हो जाएगा तो यहाँ पर इन स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, तो सिंपली से इंड स्क्रीन भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए ऐड कार्ड्स है, तो सिंपली से ऐड कार्ड्स पे आपको क्लिक करना है, सब टाइटल छोड़ देना है, सब टाइटल लगाने का कोई जरूरत नहीं है। अब ऐड कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इस वीडियो में 4-5 कार्ड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस लाइन को लाते हैं और यहाँ पे इसको शेयर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पे क्लिक करते हैं। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर जो भी पहले से वीडियो अपलोडेड है वो शो हो जाएगा। एक वीडियो को हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे टाइमिंग है वहाँ पे सेट ला कर रोक देते हैं, फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं, फिर से वीडियो पे क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ पे दूसरा वीडियो है उसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे तीसरा पे लाते हैं, ऐसे ही करके आप 5-6 वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं आसानी से। फिर से वीडियो पे, फिर से वीडियो पे और यहाँ पे फिर से तीसरा वीडियो ले लेते हैं, 3 ही लगा देते हैं आप, 6 और 2 लगा सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, सेव पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ये ऐड कार्ड्स लग चुका है। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए चेकिंग लिख रहा है, चेक्स में देखिए ऊपर आपका डिटेल्स चेक ब्लू टिक लग चुका है, वीडियो एलिमेंट्स पे ब्लू टिक लग चुका है, चेक्स पे आपका ये ब्लू टिक लगने वाला है। यहाँ पे नीचे देखिए कॉपीराइट नो इशू फाइन आपको लिख जाएगा, कोई भी आपके वीडियो में इशू नहीं है, राइट वीडियो से। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए डिटेल्स पे, वीडियो एलिमेंट्स पे, चेक्स पे, तीनों पे मेरा ब्लू टिक लग चुका है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों, आपका वीडियो यहीं से डायरेक्ट पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है या अनलिस्टेड करना है, तो अगर पब्लिक करना है तो यहीं पे पब्लिक पे क्लिक करके आप यहीं से वीडियो को पब्लिक कर सकते हैं। अनलिस्टेड करना है तो अनलिस्टेड पे पहले से अपलोड, डिफॉल्ट से मैंने अनलिस्टेड लगा के रखा है तो मेरा अनलिस्टेड है, तो यहीं पे आप अनलिस्टेड भी कर सकते हैं और कुछ एडिटिंग करके उसमें और कुछ थंबनेल में लगा के आप इसको पब्लिक कर सकते हैं बाद में। और प्राइवेट करना चाहते हैं प्राइवेट पर कर दीजिएगा, तो मेरा राय मानिए तो आप अनलिस्टेड ही करके छोड़ दिए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे शेड्यूल का भी ऑप्शन है, शेड्यूल पर क्लिक करके आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि आप वीडियो को कब यूज करना चाहते हैं। जैसे शेड्यूल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं और शेड्यूल पे क्लिक कीजिएगा तो ये शेड्यूल हो जाएगा, उसी डेट पर उसी टाइम पर आपका वीडियो अपलोड होगा। तो यहाँ पे हम
अनलिस्टेड ही कर देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के सेव का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सेव का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो मेरा वीडियो है अब ये सेव हो चुका है। ये देखिए सेविंग हो रहा है अनलिस्टेड में। यहाँ पे देखिए आ गया ऐसा, तो यहाँ पे क्लोज पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अभी देखिए दोस्तों आपका वीडियो जो है आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने वीडियो को क्रोम ब्राउजर से यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। उसमें एंड स्क्रीन ऐड कार्ड्स लगा सकते हैं, उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैक्स इस तरीके से यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। आपको ज़्यादा टाइम अगर आप एक दो दिन कंटिन्यू ऐसे कीजिएगा तो आपका अगला दिन से ऑटोमेटिक आदत हो जाएगा कि क्रोम ब्राउजर से ही मैं वीडियो को अपना अपलोड करूँ। बहुत ही इजीली है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।